मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेन। पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे मेंडल की सफलता के कारण। आज उसी के आगे आप पढ़ेंगे अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति व आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। देखिए, जो अनुवांशिक लक्षण की वंशागति होती है वह क्या होती है, यानी कि माता पिता के गुण बच्चे में पहुंचना, यानी कि माता पिता के द्वारा जो गुण संतानों में पहुंचते हैं वही अनुवांशिकी कहलाते हैं, वही अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं और वही वंशागति कहलाती है। कहा नहीं जाता है कि ये हमारे वंश का है ना, ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे वंश के हैं। तो क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उनके लक्षण इनसे मिलते हैं। किसी जानवर को नहीं कह देता कोई, या गाय को, भैंस को, कुत्ता कर दिया कि ये हमारे वंश के हैं, कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि उनके लक्षण क्या मिलते हैं, किसी के मिलते हैं नहीं मिलते। लक्षण किससे मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स के हमसे मिलते हैं, पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये अनुवांशिक लक्षण लिखिए, इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। आपने देखा कि अगर जो डॉग है तो डॉग के जो पपीज होते हैं वे डॉग जैसे होते हैं कि कैट्स जैसे होते हैं, डॉग जैसे ही होते हैं, या कैट्स के जो चाइल्ड्स होते हैं वे कैट के ही समान होंगे, या कोई भी एनिमल्स हो या कोई मनुष्य हो तो वो मनुष्य के समान ही होगा उसकी संतति, कि उसके लक्षण डॉग या ऑक्स जैसे दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके लक्षण उसके अंदर नहीं, उसके जनकों के लक्षण उसके अंदर हैं जो अनुवांश उसे प्राप्त हुए। कभी कभी ये अनुवांशिक गुण हमारी बीमारी को भी ले आते हैं, जैसे हमारी पीढ़ी में किसी को ब्रक रोग था, हो सकता है कि दूसरी आने वाली पीढ़ी हो उसकी संतान में भी ब्रक रोग उत्पन्न हो जाए। तो कुछ ऐसे रोग भी असाध्य होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते रहते हैं, जो किनके अनुवांशिक लक्षणों के द्वारा, यानी कि डीएनए के द्वारा संतानों में भी पहुँच जाते हैं। तो क्या लिखा आपने कि वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। यह जीवधारियों में, यह जीवधारियों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा होता है। यह जीवधारियों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा होता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी जिसे कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि
डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन नामक अणुओं के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अणुओं के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तथा ये केंद्रक में स्थित होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं तथा ये केंद्रक में स्थित होते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, ये कोशिका विभाजन द्वारा, ये कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ये कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिका में, संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसलिए इन्हें अनुवांशिक पदार्थ के वाहक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें अनुवांशिक पदार्थ के वाहक, इसलिए इन्हें अनुवांशिक पदार्थ के वाहक भी कहते हैं, वाहक भी कहते हैं। अगली अड़ी डालेंगे न्यूक्लिकम, न्यूक्लिक न्यूक्लिकम जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, हेडिंग डालिए न्यूक्लिक एसिड। लिखिए, किसी कोशिका के केंद्रक में, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ, किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोशिका के कार्यों का नियमन कर रहे हैं और इसीलिए क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहला रहे हैं। वैसे न्यूक्लियस इसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, और ये उसी पर कार्य भी करता है। लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जानते हो कौन कौन से? सुना होगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार से राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए, तो दोनों में देखिए न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है, तो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। पहली आप हेडिंग डाल लीजिए डीएनए, डीएनए जिसे कहते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए कभी कभी आ भी जाता है, पूछ लेता है एक नंबर में कि डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म लिखो, तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। लिखिए इसके अंतर्गत लिखेंगे, डीएनए की खोज
डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी इन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफ़ेद द्रव संश्लेषित किया जिसे न्यूक्लिन नाम दिया अम्लीय होने के कारण अम्लीय माने कैसा होता है खट्टा जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए 7 से ऊपर की नीचे कम होना चाहिए तो अम्लीय होगा यदि 7 के ऊपर चला गया तो क्षारीय रक्त कैसा है अम्लीय की क्षारीय जल कैसा है अम्लीय की क्षारीय कितना पीएच मान है 7 क्यों क्योंकि ना तो वो क्षारीय है और ना तो वो अम्लीय है रंग कैसा है उसका रंगहीन है उसमें कोई रंग ही नहीं है सब कुछ लोग कहते थे सफ़ेद सफ़ेद तो ये है गोल्ड सफ़ेद क्या ऐसा तो दूध होता है फिर दूध को हम क्या कहेंगे जब पानी को हम सफ़ेद कहेंगे तो दूध को क्या कहेंगे वह रंगहीन है उसमें कोई रंग ही नहीं है इसीलिए वह जिसमें मिलता है वैसे ही रंग का बन जाता है इसीलिए उसका पीएच मान ना तो ऊपर है और ना नीचे रक्त का पीएच मान कितना होता है क्यों क्योंकि कुछ अम्लीय है और कुछ क्षारीय है चलिए इसमें लिख रहे थे ये अम्लीय प्रकृति का होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाई जाती है यह सभी पादपों एवं जंतुओं में तथा विषाणुओं में देखिए ये विषाणुओं में भी है डीएनए तथा विषाणुओं में कुंडलित अवस्था में होता है जब आपने देखा होगा किस तरीके से ये बना होता है देखा है देखेंगे आप इस तरीके से दिखाई देगा ये कुंडलित अवस्था में होता है तो ये थी आपकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की डेफिनेशन ठीक है इसके बाद डीएनए की संरचना तथा डीएनए का महत्व जान लीजिए इसके क्या है लिखना नहीं है अभी पहले हम इसकी आपको संरचना बताएंगे किस प्रकार
प्रकार से दिखाई देता है, जैसे हमने ये बनाया इस प्रकार से हम आपको पूरा बना के दिखाएंगे। इसमें संयोजक होते हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रहते हैं, ठीक है। तो जिसकी इसका जो महत्व होता है वह क्या होता है कि अनुवांशिक, ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और डीएनए सभी उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में अन्य क्रियाएं होने लगती है उसका वह क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसे रोकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक नीत्स्कर ने की थी, फ्रेडरिक नीत्स्कर, ठीक है। बस आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल इसके आगे हम आपको इसके आगे का भाग